तो समझने की कोशिश करते हैं। ठोस आकारों का चित्रण, अध्याय 10। एक सेकेंड, अध्याय 10। ठोस आकारों का चित्रण, ठोस आकारों का चित्रण, इसमें लिखा है कक्षा 7 में आप समतल आकारों और ठोस आकारों के बारे में पढ़ चुके हैं। कक्षा 7 में समतल आकार ठोस आकार के बारे में आप पढ़ चुके हैं। समतल यानी जैसे किताब है कॉपी, तो इसमें एक बीमा ये है, एक बीमा ये है, तो ये दो बीमा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, समतल। तो ये समतल आकार है, इसमें दो मापन होते हैं, एक होती बड़ी वाली जो भुजा है इसको लंबाई बोलते हैं, और उससे छोटी वाली को चौड़ाई बोलते हैं, इसलिए इन्हें द्विबीमी आकार कहते हैं। तो 7 में आप समतल आकार और ठोस आकार के बारे में पढ़ चुके हैं। समतल आकार की लंबाई और चौड़ाई जैसे दो मापन होते हैं, समतल आकार में एक लंबाई होगा और एक चौड़ाई होगा, दो मापन होंगे, और इन्हें द्विबीमी आकार कहते हैं। जबकि ठोस आकारों के लंबाई और चौड़ाई या गहराई जैसे 3 मापन होते हैं, तो समतल आकार में लंबाई और चौड़ाई होता है, समतल आकार में दो मापन होते हैं, समतल आकार में दो मापन होते हैं, दो मापन लंबाई और चौड़ाई, इसलिए इन्हें द्विबीमी आकार कहते हैं। जबकि ठोस आकार जो होते हैं, समतल जो है उसमें दो मापन होते हैं, इसलिए द्विबीमी आकार कहते हैं। जबकि जो ठोस होते हैं, ठोस जैसे सिलेंडर को क्या बोलते हैं, बेलन, जैसे ये बेलन हो गया, जैसे ये शंकु हो गया, जिसको इंग्लिश में कोन कहते हैं, कोन, ये बेलन में एक ऊंचाई होती है और एक त्रिज्या होती है, शंकु में एक ऊंचाई होती है और एक त्रिज्या होती है। तो ये त्रिबीमी आकृति कहलाते हैं। कैसी आकृति कहलाते हैं? ये त्रिबीमी आकृति है। ये शंकु और ये बेलन, ये द्विबीमी आकृति है और ये
आकृति है। ठीक है, साथ ही एक ठोस वस्तु कुछ स्थान घेरती है। द्विविमीय और त्रिविमीय आकृतियों को संक्षेप में, जिसमें दो अक्ष की जरूरत हो, एक एक सिरे एक कॉर्नर पे खड़े हो जाएं, अगर दो अक्ष निकली है तो ये द्विविमीय आकृति है। द्विविमीय आकृति, और एक ये जो सिलेंडर है ना, इसको अगर हम यहाँ पे लगा दें बोर्ड में, तो अगर ये बोर्ड से बाहर निकल आएगा, बोर्ड से बाहर, तो फिर ये 3 विमी है। और बोर्ड में अगर चिपक जाएगा, जैसे ये बोर्ड में चिपक गया है, बोर्ड के बाहर नहीं निकला है, क्योंकि इसमें दो अक्ष है, एक शीर्ष पे देखें, एक शीर्ष पे अगर खड़े हो जाएं तो इसमें एक अक्षीय है, एक अक्षीय है, दो अक्ष निकले हैं, इसलिए ये 2 विमी है। और अगर इसके बोर्ड के बाहर आ जाते तो एक अक्ष बाहर निकल आता, इसलिए वो 3 विमी हो जाता। आप इसको रखें, तो एक शीर्ष पर खड़े हो जाएं तो ये लंबाई, ये चौड़ाई और एक गहराई, 3 अक्ष है, इसलिए बाहर निकला हुआ है, ये 3 विमी आकृति है। आपको याद होगा कि त्रिभुज, आयत, वृत्त इत्यादि 2D आकृतियां हैं, 2 विमी आकृति है। वृत्त देख लें, वृत्त जो है, वृत्त ये वृत्त जो है द्विविमीय आकृति है। और जो द्विविमीय आकृति होती हैं, इनको समतलीय आकृति कहा जाता है, समतलीय आकृति। और 3 विमी आकृति को त्रिविमीय आकृति को ठोस आकृति कहा जाता है। अच्छा, आपको याद होगा त्रिभुज, आयत, वृत्त, ये सब त्रिभुज जो है, त्रिभुज ये 3 भुजाओं से बनी आकृति, ये त्रिभुज, आयत, ये किसी शीर्ष पे खड़े हो जाएं, दो भुजा निकली है तो ये हो गया आयत, एक शीर्ष पे खड़े हो गए, दो भुजा निकली है, ये त्रिभुज, तो ये सब द्विविमीय आकृति है। जबकि घन, बेलन, शंख, गोला, घन देख लें, बेलन, बेलन जो है बाहर निकला होता है, और घन, शंख जिसको हम, ये हाइट, ये रेडियस, शंख ये 3 विमी आकृति है। और गोला ले लें, जिसको गेंद वगैरह, जैसे हिंदी में उसको स्फेयर कहते हैं, गोला ये 3 विमी आकृति है। ठीक, तो इसमें कुछ उदाहरण दिए हैं,
जैसे ये आकार है, आकार पहला है, ये आयत, आयत कैसी आकृति है, तो आयत है द्विविमी, द्विविमी, द्विविमी आकृति है क्योंकि एक शीट ये बाहर नहीं निकलता। जैसे एक कागज़ का टुकड़ा लें, एक कागज़ का एक टुकड़ा लें तो ये बाहर नहीं निकलेगा, तो द्विविमी आकृति है। ये शंकु ले लें, शंकु, शंकु यानी कोन ले लें, तो इसमें ऊंचाई होगी और इसमें त्रिज्या होगी, तो शंकु, शंकु भी जो है